आज मैं आपको साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी कहते हैं कि जो भी विश्वास पूर्वक साई बाबा की व्रत कथा सुनता है और उपवास करता है साई उसके मन की मुराद अवश्य पूरी करते हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो शुरू करते हैं कथा आइए अब मैं आपको बताती हूँ साई बाबा के व्रत के नियम यह व्रत स्त्री पुरुष और बच्चे कर सकते हैं यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है नौ गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है यह व्रत किसी भी गुरुवार से साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए सुबह या शाम को किसी भी आसन पर नीला कपड़ा बिछाकर कर साई बाबा का चित्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं बाबा की व्रत कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए तथा प्रसाद बांटना चाहिए प्रसाद में कोई फलाहार या मिठाई बांटी जा सकती है यह व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है अथवा एक समय भोजन करके किया जा सकता है बिल्कुल भूखे रहकर उपवास न करें। नौ गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करें बाबा के मंदिर में न जा पाए तो नजदीक मंदिर न हो तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक साई बाबा की पूजा की जा सकती है गांव से बाहर जाना हो तो इस व्रत को चालू रखा जा सकता है व्रत के समय स्त्रियों को मासिक की समस्या आए अथवा किसी कारण से व्रत न हो पाए तो उस गुरुवार को नौ गुरुवार की गिनती में न गिने और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार करके नौवे गुरुवार को उद्यापन करें नौवे गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए इसमें पांच गरीबों को भोजन कराएं। भोजन अपनी यथाशक्ति से देना या करवाना चाहिए साई बाबा की महिमा एवं व्रत का प्रचार करने के लिए अपने संबंधी या पड़ोसियों को इस वीडियो का लिंक यथाशक्ति भेजें इस तरह व्रत का उद्यापन किया जाए उपरोक्त विधि से व्रत एवं उद्यापन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ऐसा साई भक्तों का विश्वास है आइए अब अब मैं आपको सुनाती हूँ श्री साई बाबा की व्रत कथा किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था परन्तु किशन भाई का स्वरूप झगड़ालू था अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया कुछ भी कमाई न होती थी अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया चेहरे पर गजब का तेज था आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध को नमस्कार किया वृद्ध ने कहा साई सुखी रखे किरण बहन ने कहा कि महाराज सुख किस्मत में नहीं है फिर मिलेगा कैसे ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया वृद्ध ने श्री साईं बाबा की व्रत कथा के बारे में बताते हुए कहा नौ गुरुवार फलाहार या एक समय का भोजन करना हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना घर पर साईं बाबा की नौ गुरुवार पूजा करना साईं व्रत करना आरती पढ़ना और विधि पूर्वक उद्यापन करना भूखे को भोजन देना साई व्रत के बारे में लोगों को यथाशक्ति बताना इस तरह साई व्रत का प्रचार करना साई बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है लेकिन साई बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है धीरज रखना चाहिए जो इस विधि से साई बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ेगा बाबा उसकी सभी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया नौवे गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया साई व्रत के बारे में औरों को बताया उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई। जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो उनका रोजगार फिर से चालू हो गया थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते परीक्षा में फेल हो गए हैं किरण बहन ने नौ गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है वे सबकी सहायता करते हैं उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी तो किरण बहन ने कहा कि नौ गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और नौ गुरुवार हो सके तो साईं दर्शन के लिए मंदिर जाने को कहा साथ ही यह कहा कि यह व्रत स्त्री पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकता है नौ गुरुवार साईं तस्वीर की पूजा करना फूल चढ़ाना दीपक अगरबत्ती आदि करना प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना आरती करना आदि की विधि बताई साई व्रत कथा साई स्मरण साई चालीसा आदि का पाठ करना नौवे गुरुवार को गरीबों को भोजन देना नौवे गुरुवार को साई व्रत की जानकारी अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को देना उरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साई व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं उन्होंने भी व्रत किया था इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं बाबा की व्रत कथा और आरती पढ़ने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था वो साईं व्रत की महिमा के कारण दो महीने के बाद मिल गया ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है आपको यह कथा कैसी लगी कृपया टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं और लाइक करें साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ हमारा चैनल हिंदी पथ सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद